Hello everyone. Now today we will discuss exercise first है question number 2. Find the sum of. Find the sum of में भी हमें addition ही करना है, but यहाँ पे सिर्फ changes इतना है कि यहाँ addition sign की जगह पर हमें and लिख कर दिया है. The first question is 153 and minus 302. इसको कैसे करना है आप एक बार देख लीजिए, मैंने आपके लिए solution करके रखा है. सबसे पहले आप CW में हेडिंग डालिए, फाइंड द सम, फर्स्ट क्वेश्चन 153 एंड माइनस 302. अब जहाँ पर ये एंड साइन है वहाँ पर हमें प्लस लगाना है, जहाँ एंड लिखा है वहाँ पर हम प्लस साइन पुट करेंगे. नाउ वी नो द रूल दैट प्लस माइनस इज माइनस. नाउ द फर्स्ट डिजिट इज इन प्लस. मैंने आपको बताया था जब कोई साइन नहीं होता है डिजिट के सामने तब वहाँ पर क्या होता है, प्लस. इट मीन्स 153 का साइन क्या है, प्लस, एंड माइनस 302. रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस करना है. हम 302 में से 153 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 149. अब 149 का साइन क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए हम बिग डिजिट फॉलो करेंगे. 153 और 302 में विच वन इज बिगेस्ट, 302, एंड द साइन ऑफ 302 इज माइनस. सो द साइन ऑफ द आंसर इज माइनस 149. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन किया है सेम यही प्रोसेस यूज़ करके आप अपनी CW में 105 एंड माइनस 277, माइनस 2035 एंड 297, माइनस 489 एंड माइनस 324, माइनस 1000 एंड 438, माइनस 238 एंड 500 को सॉल्व करेंगे. इनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप CW कॉपी में कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो हैं वो आप HW कॉपी में कर लीजिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हमें माइनस 83 का एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करना है तो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग होता है कि जो नंबर हमें दिया है उसका साइन हमें चेंज करना है. वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ द गिवन डिजिट. माइनस 83, द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 83 इज प्लस 83, एंड सेम लाइक दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस 256 इज माइनस 256. अगर क्वेश्चन में हमें माइनस साइन दिया है तो आंसर में हमें प्लस साइन लेना है, अगर क्वेश्चन में हमें प्लस साइन दिया है तो आंसर में हमें माइनस साइन लेना है. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लीजिए. 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही मिलेगा आपको. इनमें से जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये आप CW कॉपी में कीजिए और 3rd और 4 आप अपनी HW कॉपी में कर लीजिए. इस तरह से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट डे के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएंगे. इसके आगे हम कल डिस्कशन करेंगे और ये सॉल्व करके जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप नोट कर लीजिए. 12 o'clock को जब हम जूम पर ऑनलाइन मीटिंग लेंगे तब आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.